वेलकम टू तिरुपति एजुकेशन कंसल्टेंट। ये वीडियो मंगलायतन यूनिवर्सिटी के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की साइट से एक मेल प्रोवाइड की जाती है, जिससे कि आपको एक यूआरएल दिया जाता है। उस यूआरएल पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना होता है। यूआरएल में आपको लॉग इन करते टाइम यूजर नेम की जगह आपको अपना एनरोलमेंट डालना होता है, जो कि आपको यूनिवर्सिटी की साइट से दिया गया है। पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का यूज करना होता है, जिसमें कि आपको डेट स्लैश मंथ स्लैश ईयर डालना होता है। जैसे कि आपकी 16 आपकी डेट है, फिर स्लैश आपका मंथ है 8, फिर स्लैश और उसके बाद ईयर 1992, जो भी आपका हो वो। इसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप आते हो एग्ज़ाम पे, जहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं। आपको वो सारे इंस्ट्रक्शन रीड आउट करने होते हैं केयरफुली। बाकी आपको नीचे एक रेड लाइन दी गई होती है, जिसमें कि आपको एग्री करना होता है। इसके बाद आपको नीचे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि आपका एग्ज़ाम के लिए सब्जेक्ट चूज करना होता है। यहाँ से आप आगे जब जाएंगे तो आपको एग्जाम्स के इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जिन्हें आपको सबको अलाउ करना होता है। ध्यान रहे आपका कैमरा और ब्राउजर ऑन हो। यहाँ पे आपकी एक फोटो क्लिक होती है, जो कि आपको फुली लाइट में क्लिक करनी पड़ती है। ये सब करने के बाद आपको क्लिक करना होता है स्टार्ट एग्जाम पर। एग्जाम स्टार्ट करने के बाद आपको दिखता है, सबसे पहले आपके क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू, जो कि आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन बाद में करो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले करो, तो आप वो भी कर सकते हो। आपको अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए आपको आंसर शीट लेके बैठना पड़ता है, जिससे कि आप शीट पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको वो अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको दिखेगा आंसर अपलोड करने के लिए आप अपलोड फाइल और क्यूआर कोड दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप इस ऐप का भी यूज कर सकते हैं, यू कैन एसेस पीडीएफ मेकर। यहाँ आप टैप करेंगे और सिलेक्ट करेंगे अपना कैमरा ऑप्शन और गैलरी। अब आपको कैप्चर करना होता है जिस भी पेपर पे आपने अपना आंसर लिखा हो। इसके बाद आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ मेकर पे क्लिक करना होता है। यहाँ से जाने के बाद आपको अपने उसी पेज पर जाना होता है जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो। वहाँ पर आपको आंसर अपलोड फाइल के लिए लिखा आता है, जिसपे कि आप क्लिक करोगे तो जहाँ भी आपने अपना पीडीएफ सेव किया होगा वहाँ पर आप जाके अपलोड कर सकते हो। नीचे आप अपने दिखेंगे राइट हैंड साइड पे आपको आएगा सेव एंड नेक्स्ट। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपका आंसर सेव हो जाएगा और आप अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। थैंक यू।